डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 का सब्जेक्ट बायोलॉजी है। और जैसा कि कल हमने आपको पद्धतियां पढ़ाई थी, वर्गीकरण की पद्धतियां, पिछले वीडियो में जो बताया था आपको वर्गीकरण की पद्धतियां पढ़ाई थी, ठीक। अब जो नया टॉपिक है आज, उसी से रिलेटेड है, वर्गीकरण के विभिन्न जगत प्रणाली, वो पद्धतियां थी, वो सिस्टम था, ठीक। ये है विभिन्न जगत प्रणालियां, विभिन्न जगत प्रणालियां, ठीक। क्लासिफिकेशन, डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट किंगडम सिस्टम। तो जैसा कि टॉपिक है, टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए आगे शुरू करते हैं। टॉपिक है वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट किंगडम सिस्टम। देखिए, वर्गीकरण का जो शुरुआत थी वो बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि सभी जंतुओं का जो अध्ययन करना एक साथ संभव नहीं था, तो वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण था, तो वर्गीकरण के लिए शुरुआत में जो लिनियस वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक, लिनियस ने क्या किया, सबसे शुरुआत में इन्होंने जीवों को दो भागों में बांट दिया। दो भागों में कौन कौन सा, एक जंतु जगत और एक पादप जगत, ठीक। तो जब उन्होंने दो भागों में बांट दिया, तो इसी वजह से इसका जो वर्गीकरण था वो वर्गीकरण कहलाया दो जगत वर्गीकरण, ठीक, दो जगत वर्गीकरण कहलाया। तो इसमें जो जंतु थे, इन्होंने क्या किया, जो जंतु थे वो जंतुओं में कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती थी, इसीलिए जिनमें कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती थी उनको उन्होंने जंतु जगत में रख दिया, जिसमें कोशिकाभित्ति पाई जाती थी तो उन्होंने उसको पादप जगत में रख दिया, प्लांट किंगडम में रख दिया, ठीक। ये तो शुरुआती वर्गीकरण था जब बहुत कम जानकारी थी। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक ये चलता रहा, फिर उसके बाद जो आया, फिर आया तीन जगत वर्गीकरण। तीन जगत जो वर्गीकरण था उसको दिया था जे हॉक व अर्नेस्ट हेकल, दो साइंटिस्ट थे जे हॉक व अर्नेस्ट हेकल ने, इन्होंने तीन जगत वर्गीकरण दिया। बोले कि जंतु और पादप तो है, लेकिन जब कुछ और सूक्ष्म जीवों की जब खोज हुई, तो जब उन्होंने सूक्ष्म जीवों की जब खोज की, तो उन्होंने कहा कि आखिर इनको कहाँ रखा जाए, ये तो न पादप जैसे लग रहे हैं न जंतु जैसे लग रहे हैं, तो इनको क्या किया जाए। तो इन्होंने इसको तीन जगत बना दिए, कौन, किसने, जे हॉक और अर्नेस्ट हेकल ने तीन जगत बना दिए। कौन कौन से जगत बना दिए, प्रोटोटिस्टा, पहला था प्रोटोटिस्टा जगत, दूसरा था पादप जगत या मेटाफाइट, ठीक। इन्होंने इसका नाम दिया मेटाफाइट, पादप जगत या मेटाफाइट, ठीक। दूसरा था, तीसरा था जंतु जगत या मेटाजोआ, ठीक। तीसरा क्या बताया उन्होंने, जंतु जगत या मेटाजोआ। तो इस प्रकार से ये तीन जगत पद्धति का निर्माण किया, ठीक। और इसे दिया किसने था, जे हॉक व अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दो जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो लिनियस ने दिया था। पूछा जाता है तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो हम बताएंगे जे हॉक व अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, ठीक। अब आता है चार जगत वर्गीकरण, जब और भी बैक्टीरिया और सबकी खोज हुई, सूक्ष्म जीव वायरस वगैरह की, मतलब बैक्टीरिया और शैवालों की जब खोज हुई, तो क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि अब इसको काहे में रखा जाए। तो फिर आया चार जगत वर्गीकरण, जो चार जगत वर्गीकरण आया उसको दिया था हार्वर्ड एफ ओपलैंड ने। बहुत पूछता है कि चार जगत वर्गीकरण किसने दिया है, तो हार्वर्ड एफ ओपलैंड ने दिया। इन्होंने क्या किया, जो प्रोटोटिस्टा जगत था, कौन सा जगत, प्रोटोटिस्टा जगत जो था, उसको उन्होंने दो भागों में बांट दिया, इसको दो भागों में अलग कर दिया। कौन कौन से, इसको दो भागों में कौन कौन बांटा, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत। कौन कौन से दो जगत थे, मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत, तो इन्होंने दो जगत में इसको बांट दिया। अब ये हो गया चार जगत में, क्योंकि मोनेरा जो प्रोटिस्टा था वो अब दो में बट गया, तो हो गए पूरे चार। कौन कौन सा, मोनेरा
जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत या मेटाफाइटा, जंतु जगत या मेटाजोआ। ठीक, तो अब ये हो गया चार जगत वर्गीकरण, इसको दिया हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने। तो यहां तक ये दो जगत वर्गीकरण, तीन जगत वर्गीकरण, चार जगत वर्गीकरण, लेकिन अभी भी साइंटिस्टों को संतुष्ट नहीं मिला, जो संतुष्ट थी वो नहीं मिली थी। इसके बाद जो जगत आया वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो था पांच जगत वर्गीकरण। ठीक, इसको दिया था आर एच व्हिटकर ने। तो आज के लिए हम केवल आपको चार जगत ही बताएंगे, जब हम कल आपको एक नया वीडियो डालेंगे उसमें हम आपको पूरा पांच जगत वर्गीकरण बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। वो इस समय सबसे ज्यादा मान्य जगत है जो है पांच जगत वर्गीकरण। ठीक, तो इनके साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके साइंटिस्ट हमें याद करना है। कल जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे पांच जगत वर्गीकरण के विषय में, जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए कल वाला वीडियो बिल्कुल मिस ना करें, और ये जब हम आपको बताएंगे तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, पूरा उसके विषय में जानकारी होगी। तो कल के लिए इंतजार करें, कल हम आपको पूरा पांच जगत वर्गीकरण बता देंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके साइंटिस्ट वगैरह नोट कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।